जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की इस लाइव चर्चा का जो विषय है सच्चा झूठा प्यार रिसर्च ऑन लव प्रेम पर एक अनुसंधान और ये सच्चा प्यार क्या होता है झूठा प्यार क्या होता है अब आप कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो ब्रह्म आत्मा की बातें करते थे ये प्यार इश्क के चक्कर में कहाँ आ गए हम जीवन की बात करते हैं जीवन की और जब जीवन की बात होती है तो जीवन के हर पहलू की बात होनी ही चाहिए तभी जीवन में सुधार होगा तो अब ये सच्चा प्यार क्या है सच्चा प्यार क्या होता है बताएंगे आप लोग सच्चा प्यार क्या होता है कई लोगों को सच्चा वाला प्यार हो जाता है और फिर पता नहीं कभी कभी झूठा वाला भी होता होगा जानबूझ के करते होंगे तो नहीं जो और जो सच्चा वाला वास्तव में हो रहा है क्या वो भी सच्चा है कि नहीं है इसकी भी क्या गारंटी है कि सच्चाई है वो तो ये इश्क नहीं आसान आग का दरिया है और डूब के जाना है मेरे भाई थोड़ा तैरना भी सीखो बार बार डूबने का नाम मत लो कि डूब के ही जाना है थोड़ा तैरना भी सीखना चाहिए लेकिन लोग तैरना नहीं जानते समस्या यही है वो डूबना जानते हैं वो राइज इन लव नहीं जानते वो फॉल इन लव जानते हैं तो यहां पर समस्या हो जाती है बहुत पहले की बात है कभी मैं हॉस्टल में रहा करता था जब पढ़ाई करते थे 19 20 इक्कीस साल की उम्र होगी तो दो सहपाठी और रहते थे कमरे के अंदर एक दिन क्या हुआ कि एक मित्र जो था एक जो रूममेट था मेरा उसको नींद नहीं आ रही थी नींद नहीं आ रही थी मैंने पूछा कि भाई नींद क्यों नहीं आ रही है सुबह उठा बोला कि सारी रात सो नहीं पाया बड़ा उदास मैंने पूछा क्या हुआ तो नजरें झुका ले बोला कि बस ऐसे ही यार कुछ हो गया है समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ नींद नहीं आ रही है। मैंने क्या हुआ बता दो क्यों नींद नहीं आ रही है फिर उठाकर बोला कि मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया है सच्चा प्यार हो गया मुझे सच्चा इश्क हो गया है कि अच्छा कब हुआ ये जरा बताओगे किसी लड़की का नाम लिया उसने कहा कि उससे चार बातें की नजरें मिली और फिर नींद नहीं आ रही है रात भर उसी का चेहरा बार बार सामने आता है जब भी सोने की कोशिश करता हूं उसका चेहरा उसका हंसता हुआ चेहरा सामने आ जाता है उसकी आंखें सामने आ जाती हैं और मैं रात भर सो ही नहीं पाया अब तो मन अटका हुआ है अब मन उसी में अटका हुआ है यह सच्चा वाला प्यार है अरे जो प्यार रात का रात की नींद भी छीन ले तो वो सच्चा वाला ही तो प्यार हुआ ना जिस इश्क में रातों की नींद हराम हो जाए तो समझो कि वो इश्क सच्चा है यही तो मानना चाहिए और यही लोग मान लेते हैं और सिर्फ ये लड़कों के साथ हो रहा हो ऐसी बात नहीं लड़कियों के साथ तो और भी होता है लड़कियों के साथ तो और भी होता है कि वो सच्चा वाला प्यार हो जाता है और रात रात भर नींद नहीं आती है। चलो भाई ठीक है अब वो मित्र जो थे उन्होंने कहा कि आप मेरी सहायता कर दीजिए थोड़ा ये प्यार व्यार मुझसे मतलब कि थोड़ी हेल्प कर दीजिए मुझे मैंने कहा कि हेल्प वेल्प तो मैं करूंगा नहीं और लोग मारेंगे तो हम भी तुमको मारेंगे ऐसा समझ लो तुम टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था मैंने आर्टिकल पढ़ाया कि देखिए इसको आर्टिकल को देखिए क्या लिखा है इसमें कि ऐसा क्यों होता है कि यंग एज में अठारह उन्नीस बीस साल या सोलह साल के बाद से लेकर बीस बाईस साल जब तक आदमी थोड़ा संभलता है इन सब मामलों में संभलते संभलते उसको 25, 26 या 30 साल हो जाते हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है आदमी को बुद्धिमान बनने में तीस साल की उम्र के बाद ही वो बुद्धिमान बनता है क्योंकि तीस साल के पहले वो इसे इस चक्कर में रहता है ये सच्चा वाला प्यार के चक्कर में ठीक जहां आंखें चार हुई वहां पर नींद हराम हो जाती है रातों को नींद नहीं आती है फिर और वही चेहरा बार बार दिमाग में घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है और हम इसे कहते हैं सच्चा वाला प्यार जी हाँ ये सच्चा वाला प्यार है कि रात को आपको नींद नहीं आएगी लेकिन महानुभाव थोड़ा रुकिए क्या यही सच्चा वाला प्यार है जी नहीं साइंस क्या कहती है इस बारे में तो टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल मैंने पहली बार पढ़ा था और उसमें लिखा था कि जब भी इस उम्र में जो लोग नहीं जानते हैं और उनके लिए यह जो आकर्षण होता है स्त्री और पुरुष का आकर्षण जब जब बच्चे जो है नाइन्थ टेंथ में पढ़ते हैं अलेवेंथ ट्वेल्थ नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक मान लीजिए इसका जोर जब बढ़ना शुरू हो जाता है जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको यह सच्चा वाला प्यार बहुत ज्यादा होता है कुछ लोग को कॉलेज में भी हो जाता है बड़े होने पर भी हो सकता है लेकिन फिर भी तीस साल के बाद आदमी समझ जाता है भैया ये सच्चा वाला प्यार की कहानी कुछ गड़बड़ कुछ ठीक नहीं है ये कहीं भी कब भी हो सकता है तो ये होता क्यों है तो बायोलॉजी क्या कहती है मेडिकल साइंस क्या कहती है इसके बारे में कि जब भी ये एक नेचुरल अट्रैक्शन है जो कि स्त्री और पुरुष के बीच में होता है लेकिन ये होता कैसे है ये कंट्रोल कैसे होता है ये रात रात की नींद क्यों हराम हो जाती है रात को नींद क्यों नहीं आती है इस सच्चे वाले प्यार में रीजन है ऑक्सीटोसिन जिसको कहा जाता है लव हार्मोन्स। हैप्पी हार्मोन्स होते हैं फील गुड हार्मोन्स होते हैं एक्टिव हार्मोन्स होते हैं वैसे ही लव हार्मोन्स भी होते हैं और जैसे ही आप एक मेल फीमेल जब एक दूसरे के सामने आते हैं खास करके उस उम्र में सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस 22, 23 इस एज ग्रुप के जो यूथ हैं जो युवा हैं जब वो किसी लड़की हो चाहे लड़का हो कोई भी हो स्त्री हो पुरुष हो जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं हाँ दूर से देख रहे हैं तो उतना असर नहीं करेगा रातों की नींद नहीं हराम होगी कम से कम ये दूर से देखने वाला आजकल लोग बोलते हैं उसको क्रश दूर से देखते रहते हैं लेकिन जहां आमना सामना हुआ नजरें से नजरों से नजरें मिली आमना सामना हुआ नजरों से नजरें मिली दो चार बातें हुई रातों की नींद आराम हो गई ये प्रैक्टिकल है यूथ इसको फेस करता है टेंथ क्लास में पढ़ने वाला यूथ एलेवेंथ क्लास में पढ़ने वाला यूथ लेकिन स्कूलों में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है इस बात पर कि वास्तव में हो क्या रहा है हमारे विद्यालय नहीं समझाते और हमारे बॉलीवुड वाले तो उसको और बिगाड़ने में लगे रहते हैं ये इश्क नहीं आसान आग का दरिया है डूब के जाना है डूबो मत भाई तैरना सीख लो अगर दरिया में तैरना जानोगे तो डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिल्मी दुनिया ने तो इस भारत के युवाओं को भ्रष्ट करके रख दिया है युवाओं को खत्म करके रख दिया है चलिए चर्चा करेंगे चर्चा हो रही है पहले सच्चे प्यार की असलियत को समझ लेते हैं होता क्या है जब मेल फीमेल एक एज में ऐसे एज में जब आमने सामने आते हैं तो उस समय आकर्षण के कारण एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लव हार्मोन और रोमांटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है ये हार्मोन जब रिलीज हो जाता है और जब थॉट्स की रिपीटिशन होती है तो यह हार्मोन रिपीट होता रहता है बार बार रिलीज होता है और इस हार्मोन के रिलीज होने के कारण आपको नींद नहीं आती है और आपको आप क्या सोचते हैं आप सोचते हैं कि हमको सच्चा वाला प्यार हो गया है क्योंकि नींद नहीं आ रही अरे बताओ उसकी याद में नींद नहीं आ रही है मतलब सच्चा वाला प्यार हो गया है हां कुछ अब जैसे एक मां को भी अपने बच्चे के लिए नींद ना आए तो वो एक अलग विषय है मां को अपने बच्चे के लिए नींद ना आए उसकी चिंता में वह एक अलग विषय है लेकिन यह जो टेंथ क्लास में एलेवेंथ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में ये जो होता है ना रातों की नींद हराम हो जाती है आपको नहीं पता लेकिन आप अपने बच्चों से पूछो जो ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं अलैन्थ में पढ़ते हैं टेंथ में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं कभी किसी लड़की से बात कर ली या लड़की ने कभी लड़के से बात कर ली आंखें चार हो गई इस उम्र में और रातों को फिर नींद नहीं आएगी लेकिन ये नींद नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि ये सच्चा प्यार हो गया बस यही समस्या है अगर फिल्में ज्यादा देखोगे तो फिल्म वाले तो बताएंगे कि भाई रात भर सोता नहीं उसके लिए इसको तो इश्क हो गया है सच्चा प्यार हो गया है लेकिन साइंस क्या कहती है कि नहीं ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है अगर वो हार्मोन ना रिलीज हो तो नींद आ जाएगी आपको तो ये रातों की नींद कौन खराब करता है आपके आपके रातों की नींद खराब करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह रिलीज होता है यह कब कब रिलीज होता है यह किस किस टाइम रिलीज होता है जब भी आप ऐसी घटनाएं आपके साथ घटे कि भाई आप ने कम उम्र में हैं आप 19-20 साल की उम्र है या फिर ज्यादा भी उम्र हो मैं कहता हूं ज्यादा भी उम्र हो तीस साल की उम्र हो पैंतीस साल की भी उम्र हो और अगर आप महिला हैं किसी पुरुष से बात करते हैं या पुरुष के प्रति आकर्षित होती हैं या पुरुष महिला के प्रति आकर्षित होता है और फिर उसे रात को नींद नहीं आती है रीजन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या क्या क्रिएट करता है ट्रस्ट सेक्सुअल अराउजल रिलेशनशिप बिल्डिंग रोमांस इसे कडल केमिकल भी कहा जाता है तो ये ये सारी चीजें ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है डेवलप कर देता है एक तो ट्रस्ट डेवलप कर देगा सबसे पहले कि भाई ये आदमी बड़ा अच्छा जिसने आपको आकर्षित कर लिया वो आदमी बड़ा अच्छा हो गया रिकॉग्निशन की फीलिंग को भाई मैं रिकॉग्नाइज हो रही हूं या रिकॉग्नाइज हो रहा हूं ऐसा समझ में आ जाता है ट्रस्ट को डेवलप कर देता है रोमांटिक अटैचमेंट को डेवलप कर देता है ठीक है हा मां बच्चे के बीच भी पेरेंट इन्फेंट बॉन्डिंग भी ये बनाता है लेकिन सबसे पहला जो इसका इंपैक्ट होता है सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है ये सेक्सुअल अराउजल रिकॉग्निशन ट्रस्ट एंड रोमांटिक अटैचमेंट में और रिजल्ट में ये क्या देता है रिजल्ट में एंगजाइटी देता है डिप्रेशन भी देता है बाद में बाद में ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन रात भर सोगे नहीं तो एंग्जाइटी डिप्रेशन तो आपको होगा ही फिर तो भैया ये जो आपको हो जाता है ना इसे सच्चा वाला प्यार मत समझो लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो फिल्में बनती हैं और बनती आई हैं वो ज्यादातर इसी विषय पर बनती आई हैं और फिल्मों ने जो युवाओं में संस्कार डाला है वो क्या डाला है हमने घर छोड़ा है रिश्तों को तोड़ा है मतलब मां बाप भाई बहन सबके रिश्ते हमने तोड़ दिए हमने घर छोड़ा है रिश्तों को तोड़ा है दूर कहीं जाएंगे नई दुनिया बसाएंगे ये संस्कार हमें बॉलीवुड फिल्मों ने दिए हैं और इतना थोड़ा बहुत नहीं दिया है बहुत ज्यादा दिया है हर फिल्म एक ही विषय पर कि भाई प्रेमी है प्रेमिका है दोनों प्रेम करते हैं तो भाई दुश्मन है तो बाप दुश्मन है तो घर वाले दुश्मन है तो गांव वाले दुश्मन है तो धर्म दुश्मन है दोनों को मिलने नहीं दे रहा है और फिर हमने घर छोड़ा है रिश्तों को तोड़ा है दूर कहीं जाएंगे नई दुनिया बसाएंगे कोई एक फिल्म इस पर बनी हो तो युवा बर्बाद है इस देश का दूसरे मजहबों में देखो वहां का युवा अपने मजहब को आगे बढ़ाने में लगा है लेकिन सनातन धर्म जो हिंदू युवा हैं बस वो लगे हुए हैं प्यार किया तो डरना क्या अभी पता ही नहीं कि ये प्रकृति कैसे काम कर रही है नेचर आपके भीतर कैसे काम कर रही है बुढ़ा जाओगे जब वृद्ध हो जाओगे तो बातें समझ में आएंगी लेकिन अब क्या अब तो आयु निकल चुकी ना अब सुधार क्या लोगे जो बिगड़ना था बिगड़ गया जब वृद्ध हो जाओगे तो बातें जाकर समझ में आएंगी अगर कम उम्र में समझ में आ जाए अगर एलेवेंथ ट्वेल्थ के क्लास के बच्चों को ये समझ में आ जाए कि जब हम किसी लड़की से बात करते हैं उस समय हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्रिएट होता है जो आकर्षण को कई गुना बढ़ा देता है और फिर रात को नींद भी नहीं आती है इस आकर्षण के चक्कर में रातों की नींद हराम हो जाती है और कई बार हम उसे सच्चा वाला प्यार मान लेते हैं क्योंकि तो बॉलीवुड ने हमें यही सिखाया है कि यह सच्चा प्यार है जिसके लिए तुम्हें नींद भी ना आए वो सच्चा ही तो प्यार हो सकता है ना झूठा थोड़ी ना होगा लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सच्चाई तो यह है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की मात्रा इतनी बढ़ जाती है आपके अंदर कि आपको नींद नहीं आती और आपको लगता है कि सच्चा वाला प्यार है बॉलीवुड ने आपको यही डिफिनिशन दिया है है कि ये तो सच्चा वाला प्यार है। अब आपको डिफिनी क्रिएट कर दी जाती हैं फिल्म वाले क्या करते हैं आइडियोलॉजी क्रिएट कर देते हैं लव रोमांस की आइडियोलॉजी क्या शायद यही आदर्श है हम किसी से प्रेम करें और सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना जीवन उसको समर्पित कर दें और चाहे हर धर्म छोड़ना पड़े चाहे घर छोड़ना पड़े चाहे समाज छोड़ना पड़े शायद यही सबसे बड़ी बात है जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है हमारे फिल्मों ने हमारे अंदर ये डाला है हमारे युवाओं के अंदर डाला है हमारे यूथ के अंदर डाला ठीक है हो सकता है कि फिल्में थोड़ी अब अलग बनती हों लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ वैसा ही बनता है जहां पर यह बस उतना ही दिखाया जाएगा उसके आगे की कहानी नहीं दिखाई जाएगी उसके आगे की कहानी नहीं दिखाई जाएगी तो पहले ये सब बातें हमें समझनी चाहिए कि अगर एक युवा को पहले से पता हो कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण होता है ये अट्रैक्शन बढ़ जाता है और रात को नींद नहीं आती है तो कम से कम वो इतना तो सोचेगा ना कि भाई ये सच्चा प्यार नहीं है ये हार्मोन का कमाल है जी हाँ हार्मोन्स के कपाल क, कमाल होते हैं कई हार्मोन्स होते हैं हैप्पी हार्मोन्स होते हैं फील गुड हार्मोन्स होते हैं एक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो हमें बहुत एक्टिव कर देते हैं हमें आ, हमें फिजिकली बहुत एक्टिव कर देते हैं हम कोई भी काम करना चाहे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे फिजिकली इस तरह के हारमोन्स होते हैं और फिर फील गुड हारमोन टोपामिन सिरोटोनिन ऐसे कई हारमोन्स होते हैं लोग ड्रग्स लेते हैं ना ड्रग्स क्या करते हैं इन हार्मोन्स को ही इंड्यूस कर देते हैं और लोगों को लगता है कि नशा करने के बाद वाह क्या मस्ती है कुछ नहीं वो हार्मोन्स आपको मस्ती दे रही है रियल मस्ती कुछ भी नहीं है जैसे ड्रग्स लेने के बाद रियल मस्ती नहीं होती है हार्मोन्स मस्ती को क्रिएट करते हैं वैसे ही ये ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स का कमाल है जो आपको सच्चा प्यार होने का फीलिंग हार्मोन क्रिएट करता है रातों को नींद नहीं आती है और बॉलीवुड का डेफिनेशन आप देखते हो बॉलीवुड फिल्में और बॉलीवुड फिल्में आपको क्या सिखाती हैं कि ये सच्चा प्यार है भाई रात को नींद नहीं आई उससे बात करने के बाद उसी का चेहरा मुझे तो सच्चा वाला प्यार हो चुका है मुझे तो सच्चा वाला और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि पूरा समर्पित हो जाती हैं कि बस एक को चुन लिया यही मेरा राम है और मैं ही इसकी सीता अरे भाई जान लो पहले राम कौन छोटी मोटी बातों से मत समझो कि राम कौन थे क्या थे राम एक योगी थे योगेश्वर थे कभी कृष्ण और राम को बिना समझे नहीं कुछ कहना चाहिए जब तक शास्त्रों का सही अध्ययन ना हो तो हम क्या होता ना सपोर्टिंग डायलॉग चुनने के चक्कर में रहते हैं और लोग सपोर्टिंग डायलॉग चुन लेते हैं और कुछ लड़कियां पूरा समर्पित हो जाती हैं कि तो सच्चा वाला प्यार हो गया अब इसी के साथ जिएंगे और इसी के साथ मरेंगे लेकिन यह प्रकृति खेल खेल रही है आपके साथ आपको ये नहीं समझ में आ रहा आपका हार्मोनल सिस्टम आपके साथ खेल खेल रहा है आपको यह नहीं समझ में आ रहा आपको सच्चा वाला प्यार लगा हुआ है आपको लग रहा है कि सच्चा प्यार हो चुका है यही बहुत भारी समस्या है यही बहुत भारी समस्या है और ऐसे संस्कार जो हमारे फिल्मों ने दि... शास्त्र हम पढ़ते नहीं शास्त्रों से हमें संस्कार लेना नहीं शास्त्रों से हमें आइडियाज लेना नहीं हमें आइडियाज कहां से लेना है फिल्मों से लेना है एक डिप्रेशन के मरीज कोई लड़की ऐसे ही इश्क में बीमार उसके माता पिता ने मुझको फोन किया कि आप इसको थोड़ा समझाइए पता नहीं उसके दिमाग में अजीब अजीब सी बातें अजीब अजीब सोच प्रेम को लेकर इश्क को लेकर और बहुत सारी शादी को लेकर बहुत सारी सोच उसके दिमाग में एक बार उसने फिल्म देख ली आशिकी टू वो कहने लगी कि मैं तीन दिन तक सो नहीं पाई वो तो फिल्म देखने के बाद तीन दिन तक मैं सो नहीं पाई तो ऐसे फिल्में क्यों बनाते हो भाई इतना हार्मोन रिलीज हो जाता है तो इसीलिए यह सारी ये नॉलेज जो है युवाओं को नहीं दिया जाता यूथ को जानना चाहिए कि व्हाट हैपेंस वो कौन सा रिएक्शन होता है उस समय कि जब आंखें चार होती हैं एक लड़का एक लड़की दोनों की नजरें जब चार हो गई तो कौन सा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है उस समय हमारी बॉडी में दोनों तरफ केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है और मान लो कि कोई ऐसा इंजेक्शन ऐसा कोई वैक्सीन ढूंढ लिया जाए जिससे कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज ही बंद रोक दिया जाए तो फिर क्या होगा हाँ जीवन तो नीरस हो ही जाएगा लेकिन कभी किसी को किसी से ये सच्चा वाला प्यार जिसको बोलते हैं ना कि आंखें चार हुई और रातों की नींद आराम हुई ये कभी किसी के साथ होगा नहीं फिर और कई जिंदगियां बच जाएंगी लेकिन ये जो बॉलीवुड है हमने घर छोड़ा है रिश्तों को तोड़ा है शादी तुझी से हो मेरी चाहे शादी के दिन मर जाऊं तो ऐसी जो फीलिंग्स हैं ऐसी चीजें ऐसे संस्कार जो दिए गए हैं इसने हमारे देश के यूथ को यह लगभग बर्बाद कर दिया है बड़ा दुख होता है और कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं को आइडियोलॉजी से आइडियोलॉजीज़ को शास्त्रों से ना लेकर हम कहा लव स्टोरी स्थिति बड़ी खराब है ये सच्चे वाले प्यार के चक्कर में प्रकृति खेल खेल रही है उनको समझ में नहीं आ रहा है और फॉल इन लव उनको आइडियोलॉजी लगता है राइज इन लव प्रेम में उठना सीखो प्रेम में गिरना मत सीखो पहले प्रेम समझ में तो आए अभी तो आपको वो चार आंखें मिल गई बस उतना ही प्रेम समझ में आ रहा है उसके आगे तो आपको कोई प्रेम समझ में आ नहीं रहा है तो समझना है उस प्रेम को तो जब प्रेम समझ में आएगा तब जाकर शायद कुछ सच्चा वाला प्रेम कहीं जीवन में मिल जाए या दिख जाए वो अलग बात है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी विषय पर चर्चा करते हुए तो बॉलीवुड फिल्मों ने बड़ा काम खराब कर दिया है ऐसे ऐसे गाने ऐसी ऐसी फिल्में कि बस कैसे भी अच्छी शादी हो जाए कैसे भी अच्छा मतलब कि विवाह करना ही शायद जीवन में विवाही सब कुछ नहीं है बहुत सारी चीजें हैं जीवन के अंदर आदमी की जब उम्र हो जाती है ना तब सोचता है कि हमने तो अपने जीवन में सिर्फ विवाह को ही सबसे महत्व तो दिया अरे जन्म कुंडली में बारह भाव होते हैं बारह भाव में एक ही भाव तो विवाह का है सारा समर्पण उसी को क्यों कर देते हो बाकी भाव भी तो हैं जीवन में बाकी चीजें भी तो हैं समाज की सेवा राष्ट्र की सेवा धर्म की सेवा क्या इस देश का युवा हमेशा ये इसी चक्कर में रहेगा क्या कि हमने घर छोड़ा है रिश्तों को तोड़ा है या फिर अपने धर्म और देश की सेवा भी करेगा धर्म और देश की सेवा के लिए युवा निकलेगा कब यह समझ में नहीं आता चलिए ठीक है युवा को निकलना चाहिए यूथ को आगे बढ़ना चाहिए अपने धर्म और देश के लिए भी और ये प्रकृति को समझना चाहिए कि प्रकृति कैसे काम कर रही है देखो जीवन जीने का मैं इस पूरे चैनल में ये कई बार रिपीट करके बताया गया है कि अगर अच्छा जीवन जीना है तो प्रकृति को पहले समझिए कि प्रकृति कैसे काम कर रही है हमारे साथ क्या खेल खेल रही है ये माया हमारे साथ कौन कौन सा खेल खेल रही है इसको थोड़ा समझिए थोड़ा समय दीजिए इसको इसलिए पहले गुरुकुलों में ना पच्चीस वर्ष तक पकड़ के रखा जाता था पच्चीस वर्ष तक पढ़ाई लिखाई करवाई जाती थी और पच्चीस वर्ष में सिर्फ ये कमाने वाली पढ़ाई नहीं जो आजकल जो पढ़ाई है ना वो सिर्फ नौकरी चाहिए सिर्फ नौकरी कैसे मिल जाए और नोट कमाना कैसे शुरू कर दे लेकिन जीवन जीना तो आया ही नहीं लेकिन पहले जो आश्रमों में पढ़ाई होती थी वो सिर्फ इस चीज की पढ़ाई नहीं होती थी फॉर्मल पढ़ाई नहीं कि वेद पढ़ेंगे संस्कृत पढ़ेंगे नहीं रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है ये भी सिखा दिया जाता था अभी आजकल देश में लोग कहते हैं कि गुरुकुल किसी ने मुझसे पूछा कि आपको कोई गुरुकुल पता है जो बहुत बढ़िया हो मैंने कहा कि मेरे नजर में तो अभी तक कोई बढ़िया गुरुकुल नहीं आया वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं गौशाला खोलते हैं दान इकट्ठा करते हैं संस्कृत भाषा को पढ़ा देते हैं लेकिन संस्कृत पढ़ाने से नहीं होगा उन सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा जो गुरुकुल में पालन होते थे भले ही आप गौशाला मत बनाओ या फिर बाहरी औपचारिकता मत करो गुरुकुल नाम मत दो लेकिन उन संस्कारों और उन सिद्धांतों को ले आओ जो कि पहले गुरुकुल में हुआ करते थे 25 वर्ष तक इसलिए पकड़ के रखते थे ताकि तुम अच्छे से समझ लो ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है इसको कैसे मैनेज करना है इसके बहाव में बहना नहीं है किसी भी बहाव में बहोगे तो फिर तो डूबोगे ही डूबोगे अगर अनियंत्रित होकर भोजन करोगे अनियंत्रित जैसे कि हम कुछ भी तो नहीं खा लेते ना अगर हमें खाना खाना है अगर हमें खाना खाना है तो हम अच्छे से खाना खाते हैं सोच समझ के खाना खाते हैं चुनकर खाना खाते हैं खाने का जितना हम हमसे हम हो सकता है हम ज्ञान बढ़ाएंगे न्यूट्रिशन का ज्ञान बढ़ाएंगे तो और पता चलेगा कि भाई हाँ न्यूट्रिशन में हमें ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए ऐसे ऐसे भोजन करना चाहिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा तो वैसा वैसा भोजन करेंगे वैसे ही जब आप रिश्तों में जाते हो ना तो इसका ध्यान रखना चाहिए ये नहीं कि आंखें चार हुई रातों के नींद हराम हुई और सच्चा वाला प्यार हो गया अगले दिन गए प्रपोज किया गुलाब का फूल दिया बस शुरू कहानी भाई जिंदगी बहुत अलग होती है जीवन में अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग दृश्य देखने को मिलते हैं अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं ये फोन पे बातें करना कहीं कहीं जाकर मिलना कहीं मैरिन ड्राइव कहीं डियर पार्क कहीं कुछ जाकर ये जो मिलते रहते हैं आपस में ये अलग जिंदगी है और शादी करके रहना विवाह करके रहना अलग जिंदगी है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कई लोग मुझे बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं कुछ दिन पहले की बात है एक लड़का जिसके जिसने बताया अपने जीवन के बारे में उसने बताया भुवनेश्वर से और भुवनेश्वर से उसने कहा कि एलेवंथ क्लास से मेरा अफेयर शुरू हुआ एक लड़की के साथ सात साल तक अफेयर चलता रहा मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहे फिर हमने शादी कर ली शादी करने के बाद तीन साल तक हम शादी करके रहे और तीन साल बाद हम अलग हुए चौथे साल हमने डाइवोर्स ले लिया यह है सच्चे प्यार की कहानी क्योंकि अफेयर में रहना फोन पे बातें करना वैसे मिलना जुलना और विवाहित होकर रहने में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है युवक नहीं समझते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है नहीं समझते हैं इसलिए फिर बाद में जाकर फिर शादी भी होती है फिर तलाक भी होता है फिर बहुत कुछ होता है लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ पता चलता है कि जो सबसे प्रिय था वही सब उसी से नफरत हो गया पता चलता है जो सबसे प्रिय दिखाई दे रहा था उसी से नफरत हो गया उसी को डाइवोर्स तलाक दे दिया पता नहीं आज से आठ साल पहले तो बड़ा प्रिय लग रहा था अब पता नहीं अब क्या जीवन में हो गया कि वह उसी से नफरत भी हो, हो चुका है तो समझना चाहिए थोड़ा सा सोचना चाहिए थोड़ा सा ठहरना चाहिए थोड़ा सा रुकना चाहिए रुककर इस प्रकृति के चाल को देखने की कोशिश करनी चाहिए दृष्टा भाव से देखना चाहिए दृश्य को अपनी ही भावनाओं को दृष्टाभाव से और आज का आधुनिक विज्ञान भी हमारी सहायता करता है यह हॉर्मोन्स का सिस्टम हमें समझाता है कि हॉर्मोन्स रिलीज होती हैं और इस तरह से चीजें होती हैं और हम उनको सच्चा प्यार मानकर बैठ जाते हैं ट्रस्ट कर लेते हैं ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा ट्रस्ट की फीलिंग दिला देगा आपको ये जब हार्मोन रिलीज होता है तो सामने वाले के प्रति ट्रस्ट की फीलिंग रोमांटिक अटैचमेंट की फीलिंग क्रिएट कर देगा और आपको लगेगा कि हमको सच्चा वाला प्यार हो चुका है और वहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा और कोई समझाने वाला है नहीं ना स्कूल के ना टीचर समझाते हैं और ये जो फिल्म बनाने वाले हैं इन्होंने तो पूरा खराब करके माहौल रखा ही है उल्टे सीधे दिमाग में बातें डाल दी हैं हार्मोन पे फिल्म बना लो कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं नहीं बनाएंगे नॉलेज वाली फिल्में नहीं बनाएंगे आप बिगड़ जाओ बिगड़ने के लिए फिल्में बनाएंगे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए इसलिए फिल्में बनाएंगे तो युवाओं को बहुत सोचना चाहिए समझना चाहिए हाँ ठीक है रिश्ते बनते हैं हमारे हमारे ग्रंथों में हमारे शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म मतलब कर्तव्य कर्तव्य की पालना कीजिए और अच्छे से अर्थ मतलब धर्म पूर्वक अर्थ कर्तव्य पूर्वक अर्थ उपा अर्थ कमाइए काम की पूर्ति कीजिए और मोक्ष को प्राप्त कीजिए कहा जाता है कि जब तक काम की पूर्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी एक छोटी सी कथा आती है मुझे ऋषि का नाम ध्यान नहीं है कहते हैं कि एक ऋषि थे उनके पास एक वैश्या गई वैश्या ने कहा ऋषिवर मैं कई पुरुषों से संबंध में रह चुकी हूं लेकिन मेरे काम की पूर्ति नहीं हुई अभी तक ये बड़ी विचित्र बात है उस वैश्या ने ऋषि से जाकर कहा कि मैं कई पुरुषों से संबंध में रह चुकी हूं लेकिन मेरे काम की पूर्ति नहीं हुई और मैंने सुना है कि ऋषियों के आश्रम में तो अप्सराएं आती हैं जी हाँ ये कई जगह पर लिखा हुआ है ये वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है और कई पुराणों की कथाओं में लिखा हुआ है कि ऋषियों के आश्रम में अप्सराएं आती थी ये हमारे शास्त्रों में कई जगह पर वर्णित है तो उस वैश्य ने कहा कि मैंने सुना है ऋषियों के आश्रम में अप्सराएं आती हैं तो मैं भी आपके आश्रम में आई हूं अपनी काम पूर्ति के लिए आई हूं तो ऋषि ने कहा कि देखो ऋषि ने कहा कि अप्सराएं आती हैं लेकिन तुम अप्सरा तो नहीं हो तुम तो मनुष्य हो अप्सराओं का आना एक अलग विषय है अप्सराएं क्योंकि उनके पास मनुष्य तन नहीं है मनुष्य जीवन नहीं है उनके पास वो देवी उन्हीं में है वो अपना पुण्य कमाने यहां आती हैं लेकिन तुम जिस उद्देश्य से आई हो वो उस उद्देश्य की पूर्ति मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं वैश्या ने कहा कि गुरुदेव मैं मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहती हूं मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूं लेकिन मेरी काम पूर्ति नहीं हुई है तो मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मेरी काम पूर्ति हो या आप मेरी काम पूर्ति कीजिए तो ऋष्वर ने कहा कि तुम्हारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है उस वैश्या ने अपने जन्म का पहले के लोगों को सब याद रहता था कि हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है किस राशि में हुआ है सब याद रहता था आजकल के लोगों को ये सब नहीं याद रहता है, तो वो बड़ा तो अगर थोड़े से भी जानकार हुए तो वो उस हिसाब से निर्णय लेते थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए अगर हमारा जन्म इस नक्षत्र में हुआ है या इस राशि में हुआ है तो, तो उसने बताया कि मेरा जन्म इस नक्षत्र में हुआ है उसने कहा कि तुम यहां से पांच कोस के दूर पर एक गांव है उस गांव में एक किसान रहता है उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है और वो मेरा शिष्य भी है तुम उसके पास चले जाओ और उससे विवाह कर लो वो तुम्हारे काम की पूर्ति कर देगा हां तुम उसे जरूर बता देना कि मैंने तुम्हें भेजा है नहीं तो वो तुमसे विवाह भी नहीं करेगा क्योंकि तुम एक वैश्य हो मेरी आज्ञा समझकर वो तुमसे विवाह कर लेगा और तब वो कहते हैं कि वो वैश्या जाती है उस पुरुष से विवाह करती है पता नहीं नक्षत्र में कौन सा रहस्य था ऋषि ने पूछा कि तुम अपना नक्षत्र बताओ कि किस नक्षत्र में तुम्हारा जन्म हुआ है और उस आदमी के पास भेज दिया उस आदमी ने विवाह किया विवाह करने के बाद कहते छह महीने उस पुरुष के साथ वो रही और सब कुछ छोड़कर ऋषि के आश्रम में आ गई कहा कि अब मुझे किसी पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ मैं आपके साथ हूँ और मैं सेवा करूँगी और मोक्ष को प्राप्त करूंगी साधना करूंगी आप मुझे योग का विज्ञान समझाइए मुझे पराविद्या सिखाइए और मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगी एक इस प्रकार की कथा कुछ पुराणों में आती है एग्जैक्टली exactly ऋषि का नाम मुझको ध्यान नहीं है कि क्या ऋषि का नाम है तो कई विज्ञान हैं यह बात सही है कि काम की पूर्ति होनी चाहिए लेकिन अगर आप प्रकृति के सिद्धांत को सही से नहीं जानते कि यह प्रकृति कैसे काम कर रही है तो निश्चय ही आप अपना बहुत भारी नुकसान कर सकते हैं अगर तथा कथित सच्चे प्यार के चक्कर में पड़ गए कई युवा अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं और कई बर्बादी के रास्ते पर हैं अगर आपके घर में है तो जरा संभालिए जरा उनको ज्ञान दीजिए जरा उन्हें बताइए और हो सके तो ज्योतिष का सहारा लीजिए ज्योतिष विद्या का सहारा लीजिए जन्म कुंडली का सहारा लीजिए जब विवाह करना हो या प्रेम संबंधों में जाना हो बाहर बाहर का प्रेम अलग होता है विवाह के बाद एक साथ रहना अलग बात है वो पुल बिल्कुल डिफरेंट चीज है वो और वैसे फोन पे बात करना अफेयर करना लिव इन रहना ये अलग डिपार्टमेंट है और वो अलग डिपार्टमेंट है समझ में नहीं आएगा प्रकृति का खेल कुछ ऐसा है लगेगा कि सब बढ़िया है बड़ा प्रेम है बड़ा मोहब्बत है बड़ा अच्छा चलेगा शादी कर लेंगे जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही चलेगा सब कुछ अच्छा ही चलेगा जरूरी नहीं है मैं एक मुझे कहानी याद आ रही है बहुत बहुत दर्दनाक कहानी है वो एक लड़की थी और उसका प्रेम प्रसंग चलता था किसी लड़के के साथ ठीक है किसी प्रेम प्रसंग उस लड़की का लड़के के साथ चलता था माता पिता तैयार नहीं थे विवाह करने के लिए यह घटना आज से दस साल ग्यारह साल पहले की है लड़की को अध्यात्म में मन लग गया पढ़ाई लिखाई में उसने मन लगाया अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई की शादी में उसका वो हो नहीं रहा था कुछ कारण था और ऐसे करते करते दस साल बीत गए दस वर्ष बीत गए वो उस लड़के से कांटेक्ट में बीच में रहती थी फिर कांटेक्ट छोड़ दिया फिर दस साल बाद भी वो लड़का आया और अभी भी उसकी भी शादी नहीं हुई थी दस साल हो भी गए थे और उसकी भी शादी नहीं हुई थी लड़के की भी शादी नहीं हुई थी और लड़का फिर इसको अप्रोच करता है कि मुझे बार बार यही मन करता है कि शादी हो तो उससे मेरी शादी होनी चाहिए और किसी से शादी नहीं होनी चाहिए लड़की ने भी सोचा कि जो लड़का मेरे लिए दस साल से इंतजार कर रहा है निश्चय ही मुझसे बहुत प्रेम करता है दस वर्षों से इसने शादी भी नहीं की है और मुझसे इतना प्रेम भी करता है टेन ईयर्स हो गए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है मेरा इंतजार कर रहा है अपने माँ बाप को उसने ऐसे बोला और लोगों को बोला माँ बाप थोड़े जानकार थे कुंडली उंडली मिलाई नहीं मिल रही है कहा कि नहीं इससे शादी मत करो तुम्हारा मैचिंग अच्छा नहीं रहेगा मना किया समझाया लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं दस साल से मेरा इंतजार कर रहा है मैं तो इससे शादी करूंगी और लड़की ने अपनी उम्र भी लड़की की भी हो ही रही थी थोड़ी सत्ताईस अट्ठाईस साल हो गई थी तो लड़की ने कहा कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी और बाद में शादी उसने कर ली शादी उसने कर ली शादी कर ली शादी हो गई शादी होने के बाद शादी होने के तीन साल बाद उस लड़के ने उस लड़की का मर्डर कर दिया प्रॉपर्टी पैसे का कुछ ऐसा चक्कर शुरू हुआ पता नहीं वो प्रेम कहाँ चला जाता है भाई ऐसी एक घटनाएं नहीं है उस लड़के ने उस लड़की को जहर दे के मार दिया सच्ची घटना एकदम दस साल जो इंतजार कर सकते हैं कि हमारी शादी हो और शादी होने के बाद फिर क्या हो गया यही होता है ना कि जिस जो वस्तु हमें नहीं मिलती है ना वो कीमती होती है और जैसी मिल जाती है ना उसकी सारी कीमत खत्म हो जाती है संसार में जब इस तरह का दृष्टिकोण होता है तो वही होता हां अगर प्रेम प्रतिभा से हो गुणों से हो गुणों से प्रेम हो अगर तपस्या से प्रेम हो जैसे शिव जी पार्वती जी की तपस्या को देखकर खड़े होते हैं गुणों से अगर प्रेम हो जाए तो फिर एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी वो एक अलग बात है जैसे गार्गी ने याग्वल्क को स्वीकार कर लिया उनके गुण देखकर उनके शास्त्र ज्ञान को देखकर उनकी तपस्या को देखकर प्रेम कर लिया गार्गी ने क्योंकि तो गार्गी को मोक्ष का मार्ग चाहिए था तो इसलिए ऐसी कई घटनाएं हैं दस दस साल अफेयर में रहे बीच में टूट भी गए एक दूसरे से बातचीत बंद भी हो गई फिर से जुड़ गए ऐसी घटना बता रहा हूं बीच में दो साल के लिए दोनों का बातचीत नहीं हुआ फिर से जुड़ गया लड़की ने सोचा बताओ दस साल हो गया अभी तक मेरा वेट कर रहा है इतना सच्चा प्रेमी कौन हो सकता है प्यार हुआ फिर शादी भी कर ली दस साल बाद और तीन साल बाद लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है वो मिल चुकी है उसकी जरूरत नहीं है अब अब तो पैसा प्रॉपर्टी दूसरी चीजों पर ध्यान देना है और प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने लड़की का मर्डर किया पैसे और प्रॉपर्टी के चक्कर में जिसके लिए उसने दस साल इंतजार किया था उसका मर्डर कर दिया ये सच्ची घटना तो भैया ये प्रेम क्या चीज है कौन से प्रेम की तलाश कर रहे हो कौन सी दुनिया में जी रहे हो इसलिए युवाओं को चाहिए हमारे देश के युवा ये बॉलीवुड और ये फिल्मी फिल्मी संस्कार ये जो बॉलीवुड का संस्कार है इसने इतना बिगाड़ दिया है कि हम सही तरीके से मान लीजिए कि ठीक है हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष काम की पूर्ति होनी चाहिए लेकिन काम की पूर्ति तभी हो पाएगी जब आप इस प्रकृति को सही ढंग से समझोगे कि यह प्रकृति कैसे काम कर रही है और खासकर विवाह हुआ हो तो जरूर आपको भकूट मिलान कराना चाहिए जो कुंडली में भकूट मिलान है इतना भी मिलान हो रहा हो कुछ लोग मिला छत्तीस गुण में से अठारह मिलना चाहिए जी नहीं अठारह मिले चाहे अट्ठाईस मिले अगर भकूट नहीं मिलता तो विवाह करना ही नहीं चाहिए अगर भकूट ना मिले तो विवाह करो ही मत और किसी के जन्म कुंडली के विवाह भाव में अगर राहु देव बैठ गए ना तो भैया उनका तो भैया तुम विवाह से ज्यादा उम्मीद मत करो उम्मीद करोगे क्योंकि राहु बैठा हुआ है उम्मीद तो करवाएगा वो लेकिन बार बार इधर उधर आपको ले जाएगा रिश्ते बनने नहीं देगा सही से बनेगा टूटेगा बनेगा टूटेगा चलता रहेगा जब चालीस की उम्र हो जाएगी जिसमें कि राहु ग्रह परिपक्व हो जाता है फिर समझ में आएगा कि राहु ने कौन सा खेल खेला हमारे साथ पैंतालीस साल पचास साल की उम्र में और शायद फिर भी ना समझ में आए तो इसीलिए रिश्ते जब आप बनाते हैं तो थोड़ी सावधानी से थोड़ा रुकिए थोड़े रिश्ते बनाने लग जाओगे तो निश्चय ही बर्बादी मिलने वाली है और यह देश का युवा जा कहां पर रहा है बॉलीवुड कहां ले जा रहा है आज इस सनातन धर्म को युवाओं की आवश्यकता है इस सनातन धर्म को युवाओं की आवश्यकता है यूथ की आवश्यकता है दूसरे मजहबों में देखो कैसे वहां के युवा अपने लगे हुए हैं लेकिन सनातन धर्म में युवा नहीं लगे हुए हैं अपने धर्म प्रचार के लिए अपने धर्म का झंडा उठाने के लिए धर्म को समझने के लिए कितना समय दे रहे हैं जो सनातन धर्मी युवा हैं, वो धर्म को समझे धर्म प्रचार में लगे धर्म के कार्य में लगे ज्ञान के प्रचार में लगे प्रचारक बने उपदेशक बने अब ये रोमियो बनने का काम तो बहुत हो गया लैला बनने का काम बहुत हो गया मजनू बनने का काम बहुत हो गया कुछ मिलने वाला नहीं जो चीज मिल जाती है ना उसकी कीमत नहीं होती जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत लोग समझना बंद कर देते हैं फिर धर्म की सेवा कब करोगे इस सनातन धर्म को आवश्यकता है कि विश्व मंच पर यह अपना परचम फहराए युवाओं को जागृत होना पड़ेगा ऐसे संस्कारों को खत्म करना पड़ेगा कि हमने घर छोड़ा है रस्मों को तोड़ा है दूर कहीं जाएंगे दुनिया बसाएंगे इन संस्कारों को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा और युवाओं को उठना पड़ेगा उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वराणी बोधत उठो जागो और बोध को प्राप्त करो ज्ञान को प्राप्त करो तो पहले के जो हमारे आश्रम गुरुकुल थे आजकल में जो भी गुरुकुल आश्रम चल रहे हैं वो कॉपी तो कर रहे हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गुरुकुल जैसा मैनेजमेंट करते हैं अरे भाई एक्जेक्टली exactly संस्कार दे पाते हो कि नहीं सही चीज समझा पाते हो कि नहीं या सिर्फ दबाव देने वाला ज्यादातर देखिए मैं यही चाहता हूं जो आज का जो टीनेजर है ये पूरा जो लेक्चर चल रहा है टीनेजर्स के लिए चल रहा है आप समझिए आप अपने घरों के टीनेजर्स को जरूर सुनाइएगा पूरा कि ये जो युवा है जो यूथ है 16 साल से लेकर पच्चीस साल तक जो भी हैं, ये सच्चे प्यार की तलाश में घूमते रहते हैं और इनको सिखाता कौन है ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये प्रेरणा देते हैं ये ऐसा संस्कार दे देते हैं और जहां आंखें चार हुई रातों की नींद हराम हुई वहां डिक्लेयर हो जाता है कि ट्रू लव हमको हो चुका है इस देश से तुमको सच्चा प्रेम क्यों नहीं हो रहा और वैसा ट्रू लव कि वो माता पिता भी पीछे रह गए फिर तो देश के लिए कुछ कर लो एक बार अपना अपना जीवन सनातन धर्म को समर्पित करके देख लो एक बार इस राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करके देख लो अरे हर जन्म में तो आहार निद्रा भय मैथुन लगा ही रहता है आहार निद्रा भय मैथुनम समान में पशु भी न धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मे नहींना पशु भी समान हर जन्म में लगा रहता है हर जन्म में तुमने शादी की होगी हर जन्म में तुमने बच्चे पैदा किए होंगे हर जन्म में तुमने किया होगा ठीक है इस जन्म में भी कर लो कौन मना कर रहा है लेकिन अपने हृदय को अपने मस्तिष्क को कम से कम राष्ट्र की सेवा में सनातन धर्म की सेवा में तो लगाकर देखो जरूरत है सनातन धर्म में ऐसे युवाओं की कि जो धर्म को जाने धर्म को अच्छे से समझें सनातन धर्म के शास्त्रों को समझें लेकिन वो तो लगे हुए हैं कहीं और ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया और डूब का जाना है डूबो मत तैरना सीख लो डूबने की जरूरत नहीं तैरना सीखी और हमारे शास्त्र तैरना सिखाते हैं हमारे शास्त्र तैरना सिखाते हैं ये स्त्री पुरुष का आकर्षण कैसे मैनेज करना है इसको भी सिखाते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलिए इसको या सेक्स एजुकेशन बोलिए इसको जो समझिए आप इसको भी मैंने तब जाकर जिंदगी अच्छी होती है जीवन खेलता है जी प्रकृति के सच्चाई को जानो ये प्रकृति हमारे साथ क्या क्या खेल खेलती है कैसे कैसे हॉर्मोन्स के फॉर्म में और ना जाने कितने रूप में खेल खेलती है तो जागृत होना पड़ेगा जागरूक होना पड़ेगा मेरे यहां बोलने से नहीं होगा बहुत कम लोग देखते हैं मेरी वीडियोज हाँ, आप सभी देखते हैं बहुत अच्छी बात है आप सभी देखते हैं शेयर भी किया कीजिए तो युवाओं को शिक्षित इस मामले में भी शिक्षित करना है कि रिश्ते कैसे बनाने हैं क्योंकि आजकल इतने जल्दी पहले थोड़ा सा दबाव के कारण रिश्ते नहीं बनते तो वो दबाव वाला मामला भी ठीक नहीं था लेकिन आज वो समय आ चुका है कि आप अपने घर में आपके जो बच्चे टीन एज में प्रवेश कर चुके हैं जिनकी उम्र चौदह साल से ऊपर सोलह साल से ऊपर हो चुकी है अठारह उन्नीस बीस साल के हो गए वो कब रिलेशनशिप में चले जाएंगे बताना मुश्किल है उनको कब सच्चा प्यार हो जाएगा बताना मुश्किल है ठीक है अगर आपने सही से नहीं समझाया साइंटिफिकली शास्त्रों से हर विधि से ठीक है उनको रिलेशनशिप में जाना है लेकिन रुककर, संभलकर, देखकर समझकर हमारे शास्त्रों ने ज्योतिष बहुत बड़ा बहुत बड़ा गाइडेंस देता है कि आपको किस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए विवाह करें या वैसे भी आप दोस्ती यारी बढ़ाएं कुछ भी किस व्यक्ति के साथ तो हम बहुत सहायता मिलती है ज्योतिष विद्या से भी और विज्ञान भी हमको समझाता है कि ये जो आकर्षण हो जाता है ये हॉर्मोन्स का असर होता है इसको सच्चा प्यार मानने का भूल मत किया करो कि रातों को नींद नहीं आई नजरें चार हुई और सच्चा प्यार हो गया जी नहीं आप उसको बढ़ावा दे देते हो रिपीटिशन ऑफ थॉट्स बढ़ जाता है कि मुझे तो बड़ा पसंद आ गया रात को नींद ही नहीं आई रात भर नींद नहीं आई उसने मुझे प्रपोज कर दिया रात भर नींद हराम हो गई लगता है सच्चा वाला प्यार शुरू हो चुका है अनेकों केसेस हैं अनेकों घटनाएं हैं अनेकों टेंशन है इन लोगों के ये सच्चा प्यार करने वालों के तो इसीलिए बहुत संभलने की जरूरत है और इस समय दबाव देने की जरूरत नहीं है कि भाई ये गलत है कुछ माता पिता जो है ना एकदम दबाव डंडा देकर कहते हैं कि भाई इधर उधर कदम मत रखना कुछ गलती मत अरे भाई प्रकृति है अपना काम करेगी वो नॉलेज होना चाहिए लेसन होना चाहिए आज वो जमाना नहीं कि आप बच्चों को दबाव देंगे कि भाई नहीं तुमको कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना तुमको कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाना नहीं बनाना, वो दबाव वाला मामला जा चुका है आपके हाँ, हाथ से हाँ गांव देहात में आज भी चल जाएगा लेकिन दिल्ली मुंबई में तो नहीं चलेगा ये दबाव वाला मामला बड़ा मुश्किल है इसीलिए एजुकेट करना जरूरी है सही टाइम पर समझाना एजुकेशन के थ्रू समझाना और इस मामले में रिलेशनशिप इन सब मामलों में भाई ये आकर्षण क्या होता है साइंटिफिकली भी समझाना कि बायोलॉजी इस बारे में क्या कहती है और हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं साइंटिफिकली समझाना ये बच्चों को बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो अपनी जिंदगियां बर्बाद करेंगे वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आएंगे मैं क्या क्या बोलूं इम्पोर्टेंसी आएगी इनफर्टिलिटी आएगी बहुत तरह के और जो फिल्म इंडस्ट्री है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो तो ठेका लेकर बैठी है कि हमें यूथ को बर्बाद करना है आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करना है सबको नपुंसक बनाना है और सबको बर्बाद कर देना है वो एकदम ठेका लेकर वो लोग बैठे हुए हैं पहले ब्लड बैंक खुल रहे थे अब स्पम बैंक भी खुल रहे हैं शहर शहर में और अभी देखिए आगे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा अगर आप नहीं संभल के रहे अपनी पीढ़ी अपने घर के बच्चों को नहीं संभाला अपने घर के युवाओं को नहीं संभाला उन्हें सही विज्ञान नहीं समझाया कि ये रातों को नींद हराम होने से कोई सच्चा प्यार नहीं होता ठीक है और कुछ लोग तो इतने सीरियस हो जाते हैं कि अपने प्यार को राम और सीता से जोड़ देंगे कि यही मेरा राम और मैं इसकी सीता और दूसरा आप जिंदगी में कोई नहीं और सारा जीवन उसी को समर्पित कर देंगे तो बचिए समझदार के लिए इशारा काफी है कितना बोलूंगा बहुत कुछ बोलने के लिए है अभी भी विवाह के पूर्व या रिश्ते बनाने विवाह के पूर्व क्या दोस्ती यारी या रिश्ते भी बनाते हो तो थोड़ा सा मिला लिया करो ग्रह गोचर सही से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं बकुट उकूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नाड़ी योनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है थोड़ा मिला लिया करो तो अच्छा रहता है इसका प्रभाव आता है ज्योतिष एक विद्या है और बिल्कुल सत्य विद्या है ज्योतिषी गलत हो सकता है ज्योतिष विद्या गलत नहीं हो सकती ये ध्यान रखिएगा हाँ ज्योतिषी का प्रोडक्शन गलत हो जाए वो उसको सही जानकारी ना हो वो एक अलग बात है लेकिन ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं हो सकती ठीक तो जरूर हमें विचार करना चाहिए और ये सच्चे प्यार से बचाइए अपने युवाओं को अपने सपूतों को और सुपुत्रियों को ठीक है चलिए इसी के साथ विराम की ओर चलेंगे और आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं बहुत लोगों ने कमेंट्स किया है तो हम देखते हैं कमेंट्स संतोष कुमार जी और दूसरा क्या है कि देखिए ध्यान योग का कोर्स चलता है अपने युवाओं को जरा ध्यान योग का कोर्स करवाइए युवाओं के इस देश में देखिए धर्म को सनातन धर्म को आवश्यकता है कि युवा जागृत हो स्वामी विवेकानंद हम यूथ डे मनाते हैं नेशनल यूथ डे राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाते हैं वो धर्म प्रचारक थे वो सनातन धर्म का उन्होंने पूरे विश्व में डंका बजाया प्रचार किया प्रचम फहराया युवकों के आदर्श हैं वो भले वो सन्यासी थे वो एक अलग बात है ठीक है तुम सन्यास मत लो लेकिन कम से कम धर्म के मार्ग पर आगे तो कदम बढ़ाओ कुछ सीखो अपने सनातन धर्म को जानने की कोशिश करो शास्त्रों को जानने की कोशिश करो कोशिश तो करो कम से कम तो युवा ये न कर पता नहीं कौन से मार्ग पर जाना चाहता है कौन से रास्ते पर चलना चाहता है दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे युवाओं की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के युवाओं की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके मन में शास्त्रों का बीज नहीं शास्त्रों का संस्कार नहीं फिल्मी संस्कार घुसा हुआ है सारे डिसीजन फिल्म देख कर लेते हैं सारे आइडियाज फिल्म देख कर क्रिएट करते हैं ना कि शास्त्रों से लेते हैं यही दुर्भाग्यपूर्ण है और बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं तो चलिए ठीक है जरूर मैं युवाओं से कहूंगा कि ये ध्यान योग का कोर्स कंट्रोल में रखें अपने अंत प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करें ध्यान योग वो विद्या है कि अपने अंत प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखना सिखाता है ध्यान योग वह विद्या है कि अपने अंत प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखना रखने की ताकत पैदा करता है लेकिन कोर्स कर लिया और अभ्यास ही नहीं करोगे तो क्या फायदा इसलिए सुबह पांच बजे का अभ्यास भी हम लोग करवाते हैं जो लोग ध्यान योग का कोर्स कर लेते हैं ठीक तो चलिए विचार कीजिए समाज सुधार कीजिए यही समाज सुधार है सिर्फ बड़े बड़े संस्था रजिस्टर्ड करा लेने से सोशल, सो, सोशल वर्क नहीं होता जिस चीज की आवश्यकता है समाज में जाकर उसको फैलाइए बताइए नहीं तो ये अगर नहीं समझा सकते हैं तो ये वीडियो ही शेयर कर दीजिए कम से कम हर जवान लड़का लड़की के पास ये वीडियोस पहुंचे और उनको समझ में आए कि हम किस गर्त में जाना शुरू कर देते हैं चलिए संतोष कुमार जी नरेंद्र माकोडे जी अवधेश कुमार जी गोविंद प्रसाद जी पूजा विश्वकर्मा राजू पाल नवज्योतिनाथ अर्जन भाई चौहान काशीनाथ जी अवनी प्रधान विनोद के सूद शिखर सेकर सविता नायक रतन सिंह जी विष्णुचंद्र मौर्या जगत नारायण जी गोविंद प्रसाद नीमा श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन है कन्हई कुमार संतोष गुप्ता विनोद कुमार शर्मा जी योगेश खैरनर किशोर वैद्य अफंता प्रोडक्शन वीर बिस्लाल बहादुर सिंह अमन मनन कमलेश खैरनर सतीश मास्टर जी राकेश मराठे शंकर प्रसाद घनश्याम सरोदे शेखर राधा और कृष्ण की प्रेम ही सच्चा प्यार है ठीक है राधा कृष्ण के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ पहले भी मैं वीडियो कर चुका हूँ राधा कृष्ण के ऊपर राधा कृष्ण के प्रेम पर नरेंद्र माकुड़े विक्रम सिंह सुरेखा असवार जलाराम राइका आशा रानी अजय जोहराम पलक धारी जी पवन कुमार क्या नॉनवेज और एल्कोहलिक भी ध्यान योग कर सकते हैं कर सकते हैं जी आपका बहुत फेवरेट हूं कृपया मेरे ध्यान आकर्षित करें ध्यान आप कर सकते हैं बाकी आप व्यक्तिगत रूप से बात कर लीजिए नॉनवेज अल्कोहल लेते हैं तो ध्यान में बा, बाधक जरूर है लेकिन आप कोर्स कर सकते हैं आत्मा को जाने का सर्वव्यापी है इसको महसूस करता हूं ठीक है अच्छी बात है कबिता धीमान जी अजय जोहराम जी और फिर जल्दी जल्दी आपके कोर्स करूंगा, जल्दी कोर्स करके लाभ उठाइए अमन कक्कर जी पारजी जी कुंवर जी भरत छबलानी पूजा विश्वकर्मा राकेश गुप्ता भीखू कुचाडिया अजय जोहराम कृपया गुरु जी आपकी हर बात समझता हूँ ठीक है सुरेखा स्वार ज्योतिष कोर्स कब शुरू होगा ज्योतिष कोर्स अभी तो नहीं शुरू होने वाला सही कहा आपने जो सुपुत्र सुपुत्री होंगे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं और कुपुत्र कुपुत्री होंगे तो समझाने में भी नहीं समझेंगे ऐसी बात नहीं नॉलेज देना आपका काम है आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें अपना ड्यूटी करें कोई समझे चाहे ना समझे वो अलग बात है हाँ प्रारब्ध का एक खेल चलता है प्रारब्ध का भी ये खेल चलता है जहां जाना है वो प्रारब्ध लेकर जाएगा बात अलग है लेकिन आप अपना कर्तव्य ना करें ये बात गलत है आप अपना कर्तव्य ना करें ये बात गलत है मैं यहां क्यों बोल रहा हूं अपना कर्तव्य कर रहा हूं समाज को जरूरत है युवाओं को जरूरत है कि भाई जिसे वो सच्चा प्रेम समझते हैं वो तो सब हारमोन का खेल है हारमोन्स का खेल है ग्रहों का खेल है ग्रह भी फंसा देते हैं जिन लड़कियों के जन्म कुंडली में सतवें भाव में राहु चला जाए वो गलत लड़कों से ही उनका प्रेम प्रसंग चलेगा ज्यादातर संभावना है अगर पहले नॉलेज हो गया समझ गए समझ गए तो वो निश्चय ही निश्चय ही अपने आप को वो कर पाएंगे समझा पाएंगे पहले से समझ गए तो सर इन सब से खुद को कैसे बचाए इन सबसे खुद को कैसे बचाएं? जब भी आकर्षण हो तो समझो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम कर रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम कर रहा है। पहला बात तो ये, युवक जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं और आकर्षण होता है तो सबसे पहले ये समझो कि ये आकर्षण क्यों हो रहा है ये ट्रस्ट क्यों बन रहा है ये रोमांटिक अटैचमेंट क्यों हो रहा है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन हार्मोन का असर हो रहा है अगर ये बात दिमाग में रखोगे तो आधा आकर्षण ऐसे ही कम हो जाएगा और फिर सोचो कि मुझे आकर्षण में ये रिलेशन में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए क्या मैं इस योग्य बन गई हूं क्या मैं अपने पैसे कमा रहा हूं या अपने पैसे कमा रही हूं क्या मैंने अपने गुणों का विकास कर लिया है और अगर अपने गुणों का विकास नहीं किया है तो फिर ये यह सोचकर कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कमाल हो रहा है भाई दूर हो जाओ हट जाओ कुछ देर में सब शांत हो जाएगा और सब शांत हो जाएगा फिर अगर आपने अपने मन को ट्रेंड कर लिया तो और ये समझ लिया कि ये हार्मोन्स का खेल चलता है देखो ये जो ड्रग्स लेते हैं ना लोग क्या होता है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है ड्रग्स लेते समय और नशा नहीं तो नशे में कोई स्वाद नहीं होता नशे में कोई स्वाद नहीं होता जितने भी प्रकार के नशे हैं तरह तरह के उनमें टेस्ट नहीं होता कोई लेकिन फिर भी लोग खाते हैं क्यों क्योंकि वो हार्मोन्स को इंड्यूस कर देता है हैप्पी हार्मोन्स को इंड्यूस कर देगा और उनको लगेगा कि भाई सब कुछ हैप्पी है खुश है मजा में चल रहा है सब कुछ गेम छो मजा में छो ठीक ना सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो नशे का ऐसा जादू हो जाएगा और हॉर्मोन्स काम करेंगे आप नशे के एडिक्शन में हो जाएंगे तो वैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी इंड्यूस किया जा सकता है किसी के अंदर वैसे भी इंड्यूस किया जा सकता है केमिकल के थ्रू भी इंजेक्शन के थ्रू भी तो जब भी हम ऐसे आकर्षण में पड़ते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये हमारे भीतर ये फीलिंग को दे रहा है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे अंदर ये रोमांटिक फीलिंग दे रहा है ये ट्रस्ट का फीलिंग दे रहा है लेकिन हो सकता है कि हम धोखा खा जाएं और लाखों की संख्या में लोग हैं जो धोखा खाते हैं लाखों की संख्या में जो लोग हैं जो धोखा खाते हैं और जो इस तरह से जो इश्क प्रेम में पड़ रहे हैं समझ लो कि अगर एक दूसरे को मिल गए तो फिर कीमत खत्म कोई कीमत नहीं रहती फिर क्योंकि तो अब तो मिल गया जो मिलना था मिल गया उसके बाद सारी कीमत खत्म हो जाती है फिर कहीं के नहीं रहते एक दूसरे से नफरत फिर शुरू होती है और उसमें अनेकों केस होते हैं अनेकों डाइवोर्स होते हैं फिर जल्दबाजी में जब डिसीजन लिया जाता है तो इसलिए संभल कर रुक कर थमकर इन सब मामलों में जैसे कि हम कुछ भी खाना नहीं लेंगे हमको खाना खाना है तो हम देख कर खाना खाएंगे सोच समझ कर खाना खाएंगे कुछ भी थोड़ी ना खा लेंगे वैसे ही जब रिलेशनशिप इस तरह की चीजों में घुसना है तो बहुत ही सोच समझ कर बहुत ठहर कर बहुत रुक कर ठीक है हॉर्मोन्स बैलेंस करने के लिए क्या करें ध्यान योग करें हॉरमोन्स बैलेंस करने के लिए ध्यान योग करें कल हम बताएंगे कल के 9 पीएम में यही चर्चा ले आएंगे ध्यान योग और हॉर्मोन्स ध्यान योग का हॉर्मोन्स के क्या साथ क्या रिलेशन पिछले भी मैंने बताया था लेकिन चलो बता देंगे दोबारा मेडिटेशन करें और अपनी विल पावर को बढ़ाएं और नॉलेज को बढ़ाएं नॉलेज रहेगा ना कि यह हॉर्मोन्स काम कर रहा है तो हम वहीं पर सतर्क हो जाएंगे भाई ये हॉर्मोन्स का खेल है सारा मेरे अंदर हार्मोन काम कर रहा है मुझे इस इस चीज में नहीं पढ़ना है लेकिन हार्मोन काम कर रहा है ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वैसे वैसे आप अपना बचाव कर पाओगे अपने आप को रोक पाओगे इन सब चीजों से उससे कैसे बाहर निकले एक बात को बार बार सोचना हम निकलना चाहते हैं पर फिर वही आ जाते हैं अगर कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है ये प्रेम प्रसंग ये सच्चा प्यार और रिपीटिशन ऑफ थॉट्स ठीक है थोड़ा सा डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है कोई बात नहीं आप बने रहें तो अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं बाहर निकलना चाहते हैं बात कीजिए पर्सनली कांटेक्ट कीजिए फिर आपको गाइड किया जाएगा बात कीजिए में बहुत बहुत आभार आप सभी का